ओके सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल सलेंद्र। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं दिल्ली में जितने भी नए ऑटो टैक्सी चालक हैं जिन्होंने 2021 में आवेदन किया है, उन्हें 5,000 रुपये कब अकाउंट पे क्रेडिट किए जाने वाले हैं, क्या आवेदन करने की तिथि फिर से बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं, क्योंकि आज का लास्ट डेट है आवेदन करने का। तो आज की वीडियो में यही जानेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, आप लोगों को बता दूँ, कुछ टाइम पहले ही दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ऑटो टैक्सी चालक को 5,000 रुपया देने की घोषणा की थी। फाइनली 2020 में जिनके अकाउंट पे 5,000 रुपये क्रेडिट किया गया था, उनके अकाउंट पे फिर से 2021 में भी 5,000 रुपये क्रेडिट कर दिया गया है। लेकिन कुछ ऐसे ऑटो टैक्सी चालक है जिन्होंने 2020 में आवेदन नहीं कर पाए थे, या फिर आवेदन तो किया था लेकिन उनके अकाउंट में किसी कारण बस 5,000 रुपये अकाउंट में नहीं आया। 2021 में आवेदन किया है तो क्या आवेदन किया है तो उन्हें पैसे कब तक मिलेंगे, या फिर आज के डेट यानी कि 13 तारीख है 13/6/2021, तो क्या इस तिथि को, आवेदन करने की तिथि को फिर से डेट को बढ़ाया जाएगा या फिर नहीं जाएगा। तो ये जानने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, कैलाश गहलोत जी ने एक ट्वीट किया है। उन्होंने ये भी बोला है, पिछले कुछ दिनों से पैरा ट्रांजिस वाहन के ड्राइवर परमिट होल्डर और ई रिक्शा मालिकों द्वारा मेरे फेसबुक और ट्विटर पर कई प्रश्न आए। इन विषय के संबंध में आज 13/6/2021 शाम 5 बजे अपने फेसबुक पेज और ट्विटर पर लाइव आऊँगा। तो दरअसल आज के डेट में यानी कि आज शाम 5 बजे कैलाश गहलोत जी अपने फेसबुक पेज और ट्विटर अकाउंट पे लाइव आने वाले हैं और इसी विषय में बात करेंगे। 5,000 रुपये नए ऑटो टैक्सी चालक किन हैं, कब अकाउंट पे भेजे जाएंगे, या फिर आवेदन करने की तिथि के बढ़ाए जाने वाले हैं या फिर नहीं जाने वाले हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना। तो दोस्तों, मिलते किसी और नेक्स्ट वीडियो में।